हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 10A का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सूत्र सीखे थे, सरल रेखा होती क्या है ये सीखा था और 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से जल्दी से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 10A और पार्ट है 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं क्या कह रहा है। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार वाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है। तो ये है हमारे पास वाई अक्ष और ये हमारे पास एक्स अक्ष और इस पर हमारे पास एक रेखा है यहां से यहां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी लंबाई हमारे पास है 2A। जिसकी लंबाई क्या है 2A, ठीक है। और वो कह रहा है कि इस आधार, ये जो आधार है ना, इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु है। इस आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर A हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी A हो जाएगा, ठीक है। और जब यहां पर हमने ऐसे मिलाया तो यहां पर हमारे पास त्रिभुज एक बन गया। इस त्रिभुज का नाम हम क्या डाल देंगे, ए बी सी। तो अगर ये ए बी सी है तो हम यहां पर निर्देशांक निकाल सकते हैं। बी का निर्देशांक क्या होगा, देखिए वाई एच पर एक्स सदैव 0 होता है तो 0, a हो जाएगा। और वाई एच पर सदैव ए 0 होता, एक्स 0 होता है तो 0, -a हो जाएगा। अब यहां पर हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम ए का निर्देशांक कैसे निकालें। तो देखिए ये हमारे लिए ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अगर ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है OA, OA क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है, तो यहां लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा कितनी है, भुजा 2A है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है तो यहां पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है भुजा √3/2। क्या फार्मूला होता है, भुजा √3/2। तो भुजा कितनी है 2A, √3/2। इस 2 से ये 2 काट दिया तो ऊंचाई आ गई A √3। कितनी आ गई, A √3, यानी OA का मान हमारे पास आ गया। किसका मान आ गया, OA, OA का मान आ गया A √3। तो अगर ये A √3 ऊंचाई है तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए x अक्ष है ना, x अक्ष पर वाई 0 होता है तो ए √3, 0, ये हमारे पास इसके निर्देशांक आ जाएंगे। और हमसे यहां पर कुछ पूछ नहीं रहा है, केवल हमसे शीर्ष निकालने को पूछ रहा है। तो ए बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक यहां लिख देंगे। अतः अतः ए के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए √3, 0, बी के निर्देशांक √0, a, सी के निर्देशांक 0, -a। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या कह रहा है, बिंदु 8, 10 और 10, 12 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है हमको, बिंदु दे रखा है 8, 10
और दूसरा बिंदु दे रखा है 10,12, और हमको ज्ञात करनी है प्रवणता यानी m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 8 है, y1 का मान 10 है, x2 का मान 10 है, y2 का मान 12 है। x1 का मान 8 है, x2 का मान 10 है, y1 का मान 10 है और y2 का मान 12 है, क्योंकि जो पहला बिंदु होता है उसमें x1 y1 और जो दूसरा बिंदु होता है उसमें x2 y2। तो m का फार्मूला होता है, प्रमणता का फार्मूला होता है, वो लगा देंगे और सीधे आंसर आ जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये कौन सा फार्मूला है, जब दो बिंदुओं से होकर रेखा जाए और उसकी प्रवणता पूछे। तो y2, y2 का मान है 12 माइनस y1 का मान है 10 बटे x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान कितना है 8। तो 12 में से 10 चला जाएगा तो 2 बचेगा और 10 में से 8 चले जाएंगे तो भी 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 3,-4 और 5,-7। तो यहां पर x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -4, x2 का मान 5, y2 का मान -7। हमसे क्या मांग रहा है, हमसे m मांग रहा है। तो m का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 का मान है -7 माइनस y1 का मान है 4 बटे x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान है 3 माइनस 3 बटे 2। तो m का मान प्रवणता कितनी आ जाएगी, -3/2। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तीन बिंदु एच कामा 0 ए कामा बी, एच कामा 0 ए कामा बी और 0,K एक रेखा पर है तो दिखाइए, क्या दिखाना है हमको, क्या प्रूफ करना है। a बटे एच प्लस बी बटे के इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। और ये हमको मालूम है कि एक सीधी रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं। तो हम ये मान लें, ये बिंदु हमारे पास a है, ये वाला जो बिंदु है ये हमारे पास b बिंदु है, और ये जो बिंदु है ये हमारे पास सी बिंदु है, ये एक सीधी रेखा पर स्थित है। और अगर कोई भी बिंदु सीधी रेखा पर स्थित होता है तो उनकी प्रवणताएं समान होती है, यानी ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए कामा बी कामा सी संरेख हैं इसलिए ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता, ए बी के लिए प्रवणता का फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और बी सी की प्रवणता वही क्या, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 का मान कितना है ab में, देखिए ab में y2 का मान है b, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0 बटे x2 का मान कितना है, x2 का मान है a, x1 का मान कितना है h बराबर y2 का मान कितना है, y2 का मान है k, y1 का मान कितना है b बटे x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0, x1 का मान कितना है, x1 का मान है a। ठीक है, अब b में से 0 घट जाएगा तो हमारे पास b बचेगा बटे a माइनस एच बराबर k माइनस b बटे माइनस a।
इसकी इधर गुणा इसकी इधर कैची गुणा हो जाएगी, तो माइनस ए बी बराबर ए माइनस एच के माइनस बी, गुणा कर लीजिए अंदर, तो माइनस ए बी बराबर ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी, माइनस ए बी और माइनस ए बी कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, एच और के वाले एक तरफ ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास ए के बच गया प्लस एच बी बचा लिया हमने उधरी पर, देखिए ए के बच गया और हमने एच बी बचा लिया और एच के उधर भेज देंगे, क्या भेज देंगे एच के उधर भेज देंगे, तो माइनस का एच के उधर क्या है में चला जाएगा प्लस का एच के, समझ गए होंगे। अब इधर देखिए हमको एक बनाना है, फिर से देख लीजिए ए बी ए के को वहीं बचा लिया ठीक है और बी एच को वहीं बचा लिया, ये माइनस का एच के है इसको इधर भेज दिया तो ये प्लस का हो गया, समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहां पर हमको एक बनाना है, यानी एच के से भाग, एच के से भाग, जब एच के से हम भाग करेंगे ए के बटे एच के प्लस बी एच बटे एच के बराबर एच के बटे एच के, एच के से एच के कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर एक, ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर एक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लग जाएगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, पाइथागोरस प्रयोग के बिना सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है सिद्ध करेंगे। तो एक त्रिभुज है इस तरीके से ए बी सी और इसका बिंदु है 4,4, 4,4, बी का 3,5, -1, -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबकी प्रवणताएं निकाल लेंगे, सबकी क्या निकाल लेंगे प्रवणताएं निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर होने का प्रतिबंध, याद रखिएगा समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 = M2, यानी दो रेखाएं हैं और पहली रेखा की प्रवणता M1 है और M2 जो है वो दूसरी रेखा, पहली रेखा की प्रवणता और M2 क्या है दूसरी रेखा की प्रवणता, ठीक। अगर पहली रेखा की प्रवणता M1 है और दूसरी रेखा की प्रवणता M2 है और वो एक दूसरे के समांतर हैं रेखाएं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि M1 = M2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब लिख लेते हैं लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध, तो लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है M1 × M2 = -1, यानी M1 और M2 की जब हम गुणा करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा -1 आएगा। तो इस तरीके से हम लंब होने का प्रतिबंध लगा सकते हैं, जहां पर M1 आपको हम पहले बता चुके हैं, M1 है पहली रेखा की प्रवणता और M2 है दूसरी रेखा की प्रवणता, अगर इन दोनों प्रवणताओं को हम गुणा करें तो -1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा अगर कभी भी दो रेखाओं की प्रवणताओं की गुणा करें और -1 आ जाए तो समझ जाएंगे रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, और अगर दो रेखाओं की प्रवणता बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं
समांतर होंगे। इसी नियम का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे, लंब होने का प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। तो देखिए AB की प्रवणता, AB की प्रवणता जिसको हम लोग क्या बोलेंगे M1, AB की प्रवणता M1, तो कैसे निकालेंगे Y2 माइनस Y1 बटे X2 माइनस X1। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो टोटल आ गया माइनस 1। BC की प्रवणता M2, तो BC की प्रवणता M2, Y2 का मान कितना है माइनस 1, Y2 माइनस Y1 बटे X2 माइनस X1, माइनस 6 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 = 6, तो कितना हो गया 3/2। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे CA की प्रवणता, CA की प्रवणता जिसको हम लोग क्या बोलेंगे M3 बोलेंगे। तो M3 का वही फार्मूला Y2 माइनस Y1, तो CA A2 है Y2 माइनस Y1 बटे X2 माइनस X1। तो यहां पर 5/5, 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो AB की प्रवणता, BC की प्रवणता, CA की प्रवणता तीनों हमारे पास माइनस 1, 3/2 और 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि अब यहां पर चेक कर लीजिए किसकी प्रवणता की गुणा करने पर माइनस 1 आएगा। तो लिखेंगे चूंकि M1 गुणे M3 बराबर 1 × -1 = -1, इसलिए या अतः M1 किस रेखा की प्रवणता होगी, M1 थी AB की, इसलिए AB लंब हो जाएगा CA, AB पर लंब कौन हो जाएगा CA, अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रवणता का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 9, और बिंदु हमको दे रखे हैं -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक चतुर्भुज बना लेते हैं यहां पर, तो प्रूव करना है कि जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो -2, -1 4, 0 3, 3 -3, 2 ये जो शीर्ष हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो सी और ये डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रवणता की सहायता से AB की प्रवणता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे भुजा AB की प्रवणता, तो भुजा AB की प्रवणता जिसको हम लोग क्या बोलेंगे M1, क्या बोलेंगे M1, M1 बराबर Y2 - Y1 बटे X2 - X1। Y2 का मान कितना है, Y2 का मान है 0, Y1 का मान है 1, X2 का मान है 4, X1 का मान है -2, तो -2 आ जाएगा 1/6। अब निकालेंगे भुजा BC की
प्रवणता, भुजा BC की प्रवणता M2 बराबर, यही फार्मूला है y2 - y1। तो y2 कितना है, 3 - y1 बटे x2 - x1। तो 3 में से 0 गए 3, और 3 में से 4 गए -1, तो कितना हो जाएगा -3। अब आगे लिखते हैं CD, भुजा CD की प्रवणता। तो भुजा CD की प्रवणता, जिसको हम क्या बोलेंगे, M3। M3 कितना दे रखा है, सॉरी कितना निकालेंगे, देखिए y2 - y1 के फार्मूले से। तो y2 कितना है, y2 है 2 -y1, y1 कितना है 3, x2 है -3 और -3। तो यहां लिख लेते हैं कितना आ जाएगा, -1 बटे -6 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 6। अब भुजा DA की प्रवणता, तो वही फार्मूला हमारे पास, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 का मान कितना है, -1, y2 - y1 -2 बटे x2, x2 का मान कितना है -2 -x1, x1 का है मान 3, तो कितना हो जाएगा -3 बटे 1, तो बन जाएगा -3। अब देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि M1 के बराबर कौन आ गया है, M1 के बराबर आ गया है M3, M1 के बराबर कौन आ गया है M3, तो लिखेंगे M1 बराबर M3 व M2 बराबर M4। M2 के बराबर कौन आ गया है, M4। अतः AB के समांतर CD, M1 के बराबर M3 है, यानी AB समांतर CD व BC समांतर DA, BC समांतर DA अर्थात चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, -3, 4 तथा 2, 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और दूसरी रेखा है 2, 3 तथा x, 10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये बिंदु हमारे पास A है और ये हमारे पास बिंदु B है। तो ये AB एक रेखा है और इस AB पर एक दूसरी रेखा है CD, ये CD। सिद्ध करना है कि AB पर CD लंब है। क्या सिद्ध करना है, कि AB पर लंब है, AB पर लंब है CD। तो अगर हम AB की प्रवणता और CD की प्रवणता निकाल लें, नहीं यहां पर सिद्ध नहीं करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लंब है, यहां पर हमको बता रखा है कि AB पर CD क्या है, लंब है, तो x का मान निकालना है।
ठीक है ना। तो हम क्या करें, ए बी की प्रवणता निकाल लें और सी डी की प्रवणता निकाल लें और लंब होने का प्रतिबंध लगा देंगे। तो लिखेंगे भुजा ए बी की प्रवणता, भुजा ए बी की प्रवणता, तो भुजा ए बी की प्रवणता क्या होगी, वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो पांच में से चार गया एक, दो तीन पांच, तो ए बी की प्रवणता कितनी आ गई, एक बटे पांच। भुजा सी डी की प्रवणता निकाल लेंगे, भुजा सी डी की प्रवणता, तो भुजा सी डी की प्रवणता कितनी हो जाएगी, वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो दस में से तीन गए बच्चे में बच्चे सात और बटे में हो जाएगा एक्स माइनस दो। हमने ए बी की भी प्रवणता निकाल ली है और सी डी की भी प्रवणता निकाल ली है, और ए बी की प्रवणता को एम वन और सी डी की प्रवणता एम टू बोल रहे हैं। तो लिखेंगे लंब होने का प्रतिबंध। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लंब होने का प्रतिबंध होता है m1 गुणे m2 बराबर माइनस एक। तो m1 का मान कितना है, एक बटे पांच गुणे सात बटे एक्स माइनस दो बराबर माइनस एक। सात कम सात बटे पांच एक्स माइनस दो बराबर माइनस एक, इसकी इधर गुणा कर देंगे, सॉरी माइनस दस, पांच एक्स माइनस दस, तो इसकी हम क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, सात बराबर माइनस पांच एक्स प्लस दस, समझे क्या हुआ, पांच एक्स की एक से गुणा हुई तो माइनस पांच एक्स, माइनस दस की एक से गुणा हुई तो प्लस का दस। अब क्या करेंगे, इसको इधर बुला लेंगे, माइनस का पांच एक्स इधर प्लस में पांच एक्स आ जाएगा और दस में से सात को घटा लेंगे, एक्स बराबर सात में दस में से सात गए तीन बटे पांच, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन बटे पांच। तो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि जो हमारा P है वो है x1 और y1 और बिंदु Q जो है वो है x2 y2, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर एक, पी क्यू वाई एच के समांतर है, पी क्यू जो है वो वाई एच के समांतर है। तो देखिए ये एक्स एच और ये वाई एच है, ठीक है, और पी क्यू अगर वाई एच के समांतर है तो पी क्यू इस तरीके से होगी कुछ, ये पी और ये Q, तो यहाँ है X1 कॉमा Y1 और यहाँ पर है X2 कॉमा Y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी का हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो PQ बराबर क्या लिख देंगे, देखिए बहुत ध्यान से, PQ बराबर मॉड, मॉड क्यों, क्योंकि ये हमको पता नहीं है कि Y1 बड़ा है या Y2 बड़ा हुआ है, बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ यानी Y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो ये हमारा p का मान आ जाएगा, p बराबर y1 माइनस y2। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में फिर से यही pq है लेकिन ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और इस बार जो pq है वो एक्स एच के समांतर है, यानी इस तरीके से, ये
पी है ये क्यू है, एक्स वन कामा वाई वन, एक्स टू कामा वाई टू, ठीक है। तो यहां पर हमारी पी क्यू की लंबाई क्या होगी, आप पी क्यू लिख देते हैं, यहां पर पी क्यू की लंबाई क्या होगी, देखिए यहां से यहां दूरी एक्स टू और यहां से यहां तक की दूरी एक्स वन, लेकिन हमको पता नहीं है कि एक्स टू बड़ा है कि एक्स वन बड़ा है, इसलिए हम मॉड के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन लिख देंगे। तो ये हमारी पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमारा यहाँ पर चित्र बनाना मेन कॉन्सेप्ट था और चित्र बनाने के बाद हमको उसको समझना था। तो चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 का मान, तो मानेंगे माना एक्स अक्ष पर बिंदु, माना एक्स अक्ष पर बिंदु ए कामा जीरो है। अब देखिए ये आपने कैसे मान लिया कि ए कामा जीरो है, तो इस बात को हम यहां पर आपको समझाएंगे। देखिए ये हमारा को वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक। और एक्स अक्ष पर कभी भी हम अगर कोई बिंदु मानेंगे तो याद रखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को भी मानेंगे तो ए कामा जीरो मानेंगे, क्या मानेंगे जीरो, यानी कोट के स्थान पर आपको सदैव जीरो ही रखना है। और वाई एच पर अगर हम कहीं पर बिंदु मानेंगे तो जीरो कामा बी मानेंगे, यानी आपको भुज के स्थान पर जीरो रखना है। तो ये मानने का तरीका है, इस तरीके से हम ये बिंदु मानेंगे। ये बात याद रखिए वाई एच पर सदैव एक्स जीरो होता है, वाई एच पर सदैव एक्स जीरो होता है और एक्स एच पर सदैव वाई जीरो होता है। इस दो बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर माना है माना एक्स अक्ष पर बिंदु ए कामा जीरो है, समझ गए ना। तो अगर ये ए कामा जीरो है तो देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि, और इसको हमने बिंदु पी मान लिया है कि पी जो है ए कामा जीरो वो बिंदु ए और बी, ए ए का निर्देशांक क्या है 7.6, और बी 3.4, ए पी बराबर बी पी, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु हमारे हमको दिए गए हैं। अब हमको मालूम है कि ए पी बराबर बी पी है, इस बिंदु से ए और बी बराबर दूरी पर है, यानी लिखेंगे चूंकि ए पी बराबर बी पी इसलिए ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। तो ए पी का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर bp। यहां पर भी x2 का मान कितना है a माइनस एक्स वन 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 ए प्लस 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए प्लस 16। अब देखिए प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सब पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस का 14 ए प्लस का 6 ए बराबर 16 9 25 और 9 6 15
का 5, हासिल लगा 1, 4 4 8, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 14 प्लस का 6, तो क्या बचेगा, माइनस का 8a बराबर माइनस का 25 में से 85 चले जाएंगे तो माइनस का 60, a बराबर माइनस का 60 बटे माइनस का 8, इससे ये कट जाएगा, इसको काट लेंगे 4 2 8 4 15, तो a का मान कितना आ जाएगा 15/2, तो a बराबर आ जाएगा 15/2, अतः वह बिंदु पंद्रह बटे दो कॉमा 0 होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।